अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी, आज मैं आई हूँ अपने एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज अभी तो मॉर्निंग है, अभी तो 9 o'clock हुए हैं, लेकिन यूके के अंदर ये मॉर्निंग का काफ़ी टाइम गुजर चुका है और लोग अपनी जॉब्स पे जा चुके हैं, और जैसे कि अस्नान भी अपनी जॉब पर हैं। और मैंने सोचा कि आज हमने पकाने थे मसर चावल, क्योंकि आज मेरा दिल बहुत कर रहा था। मैंने मामा को कल ही कह दिया था मसर चावल बनाने हैं, तो आज मैंने मसर तो बना ली है, बस चावल बनाने हैं। वो टाइम पे बनाऊंगी क्योंकि अभी काफ़ी सुबह है। तो मैंने सोचा आज मौसम भी बहुत अच्छा है और धूप भी निकली हुई है, क्योंकि 2 दिन हो गए थे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा, और हमें मौका नहीं मिला इस तरह वॉक पर जाने का। सो मैंने सोचा कि आज धूप भी निकली है, मौसम अच्छा है, तो काम भी हो गया है, तो चलें हम क्यों ना वॉक पे चलें। तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी का घर बन रहा है, तो बस अब निकले हैं और देखिए कहाँ पर जाते हैं। अभी तो सुनसान है सारा, तो मैंने कहा चलें वॉक पे चलते हैं, थोड़ा सा वेदर भी इंजॉय करें, क्योंकि इधर धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई अब हम निकले हैं, थोड़ी सी वॉक करेंगे, फिर हम वापस अपने घर की तरफ चले जाएंगे। और जब मैं चावल बनाऊंगी फिर आपको पूरे मसर चावल जो है वो डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें, ये वाला जो घर है ये सेल पे है, कुछ सेंटर आ गया है। ये देखें गाइस, पाकिस्तानी जो है ना, इधर सारी जो है क्रिस्प चीटोज वगैरह हैं अवेलेबल। सो देखते जाएं, ये हम एक कैश एंड कैरी में आए तो हैं, लेकिन इतनी कंजस्टेड है कि कुछ ना पूछें। ये देखें इन्होंने लोबिया जो है वो किस तरह इस पैकिंग में रखा हुआ है, तो ये देखें गाइस, कैडबरी की कुकीज़ हैं, मिल्क चॉकलेट, और इसमें से अच्छी चीज़ तो मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, केक रस, जो कि जहाँ भी जाती हूँ मुझे नज़र आ जाते हैं। ये देखें, ये कैश इन कैरी है तो बहुत कंजस्टेड है, लेकिन इधर चीज़ें उन्होंने जो है ना वो लाइंस में, लाइक उनको वो जो है ना गुजरने की जगह वो बहुत कर दी है शॉर्ट, जिसकी वजह, लेकिन चीज़ें इन्होंने सारी रखी हुई हैं, ये नहीं क्या रखा नहीं है कुछ भी, हर तरह की पाकिस्तानी आइटम भी इन्होंने अवेलेबल है रखी हुई है, बर्तन क्या, डिस्पोजिबल कप्स और ये सब चीज़ें। गाइस तो चलते चलते मुझे मेरी फेवरेट चीज़ मिल गई, पॉपकॉर्न स्वीट एंड सॉल्टेड, तो अब मैं ये भी ले लूँगी। लेने की नीयत से तो नहीं आई थी, लेकिन अब नज़र आ गए हैं तो अब मैं ले लूँगी जी। तो पॉपकॉर्न मैंने ले ली हैं गाइस, तो अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ से और कुछ नहीं लेना, क्योंकि प्राइस मेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो पॉपकॉर्न तो ले लेना, अब नज़र आ गए हैं तो ले लेते हैं, फिर इंतज़ार किस बात का। तो अब हम स्लो स्लो जो है वापसी की तरफ अपना रुख करते हैं, लाइक कैश एंड कैरी से बाहर निकलते हैं और आगे वॉक अपनी कंटिन्यू करते हैं। ये देखें कितना मैसी लग रहा है ना, क्योंकि कंजस्टेड बहुत ज़्यादा है, उन्होंने हर चीज़ रखी हुई है लेकिन जगह थोड़ी कर दी है। फ्रूट्स भी हैं बाहर गाइस, ये है स्पाइस है, यहाँ पे मैंने जो है ब्रेकफास्ट किया था। ये देखें गाइस, ये हेयर एंड ब्यूटी सैलून है, ये काफी अच्छा बना हुआ है रेस्टोरेंट। गाइस अब हम आए हैं दोबारा से बुक स्टोर, एक और अनदर, वहाँ पे भी हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये देखें ब्रशेस गाइस, यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे जो है ना आप बहस नहीं कर सकते, उन्होंने फिक्स प्राइजेस लगाई होती हैं, अगर आपको, अगर आपके रेंज में है तो ले लो, नहीं रेंज में तो मूव ऑन कर जाओ। जी तो अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे, अब मामा, बस मामा के साथ आई हूँ, तो मामा जो है वो जो है पॉट्स वाली जगह पे जो है वो रुक गई हैं देखने के लिए, तो देखते हैं उन्हें क्या पसंद आ रहा है।
जी मामा, आप ये डिश की बात कर रही थी? इससे बड़ी लेके आई हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी लगी। ये देखें गाइस, मुझे ये वाले पॉट्स बहुत पसंद हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं। ये डिलाइट वालों के हैं, बड़े बहुत अच्छे लगते हैं ये। आप सर्व वैसे भी लाइक आपके पास अगर प्रॉपर उसका हो तो आप लाइक इसको बड़ा अच्छा लगता है दिखने में भी। अगर कोई आ जाए तो उसके आगे वैसे ही बंदे ने अगर गर्म गर्म कोई चीज़ रखनी हो तो नीचे जो है वो करके सेटअप उसका, तो इसको हम रख सकते हैं। इट्स लुकिंग गुड और अच्छी लगी है मुझे यहाँ पे ये वाली चीज़। बाकी कार्ड्स वगैरह हैं और ये बर्थडे वगैरह की बच्चों के लिए चीज़ें हैं। गाइस ये हम सिख वाली जो है ना, सिख हैं ये, सिख्स की शॉप, सिख्स कह रही हूँ सिखों की, तो उन्होंने देखेंगे क्या उनके मतलब की भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। सिख कहना था, सिक्स कह दिए, सिक्स इसलिए कहे कि यहाँ पे दो से तीन जो थे वो सिख अवेलेबल थे, सो मैंने उनको मिला के जो है वो सिक्स कह दिए। सो ये देखें छाननियाँ वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे अच्छा लगा। वैसे ये तो नहीं इतना कुछ, लेकिन दिस वन इज लुकिंग नाइस। इट्स ऑल्सो बिकॉज सो मैनी डिफरेंट कलर्स यू नो विच अट्रैक्ट्स एवरीवन। ये बाथ मैट्स हैं, ये बाथरूम सेट्स हैं और डिफरेंट हैं यहाँ पे वैरायटी चीज़ों की। लेकिन उनको इतनी उनके पास चीज़ें, उन्हें जगह नहीं मिली, उन्होंने ज़मीन पे जो है वो बास्केट्स रख के जो है अंदर जो है चीज़ें डाल दी हैं। आई थिंक सो इट्स ज्योमेट्री, आई थिंक सो। यस मम्मी। गाइस इन्होंने ना काफ़ी नॉर्मल लाइक इतनी हाई क्वालिटी तो नहीं, लाइक नॉर्मल क्वालिटी जो है अवेलेबल है। लाइक हाई भी है, सम प्लेसेस पे हाई भी है, लाइक सम पोर्शंस इनके अच्छी चीज़ों के भी हैं और सम जो हैं वो बस नॉर्मल हैं। लाइक यू नो के लाइक अगर स्पूंस हैं तो ये पोर्शन जो है वो मतलब मिक्स उन्होंने रखा हुआ है ना, मिक्स वैरायटी अवेलेबल है। ओके गाइस, चलते चलते मुझे एक स्टिक मिल गई है, ठीक है। यूँ करके जब हम चलते हैं, हम नहीं लाइक जो अल्लाह माफ़ करे जो लोग बेचारे नहीं चल सकते प्रॉपर, या जो एक्सीडेंटल लाइक जिनको कोई इश्यूज होते हैं वो थोड़ा ये लेके सहारा यूज़ करते हैं स्टिक को। तो चलते चलते मुझे नज़र आई तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको भी शेयर कर दूँ। और अब जो है हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखें मेरे रास्ते में अब सबवे भी आ गया है, बट इट्स नॉट हलाल। मौसम अच्छा है, धूप जो है वो ऐसे सुकून आ रहा है, लाइक गर्मी वाली तपिश वाली धूप नहीं है। सो मेरे व्लॉग में आप ज़रूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे होंगे, और वो हैं अरसलान, लेकिन चूंकि वो जॉब पे हैं सो मैंने कहा मैं बना लूँ। आप लोग भी वेट करते होंगे हमारे वीडियोस का, और ज़ाहरी बात है मेरे व्लॉग्स जितने भी हमारे व्लॉग्स हैं उनको अरसलान हों तो चार चांद लग जाते हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी पूरी ट्राई करती तो हूँ कि मैं भी उनके जैसे व्लॉग्स बना सकूँ, लेकिन मैं कहाँ उनका मुकाबला कर सकती हूँ, ही इज़ टू मच एक्सपर्ट यू नो। सो अब हम एक पार्क में से गुजर रहे हैं, पार्क में से नहीं पार्क के पास से, तो होप सो के अंदर जाते हैं। वो देखें गाइस, बच्चे जो हैं फुटबॉल प्ले कर रहे हैं उस पार्क में। तो अब हम एंटर होने लगे हैं इस पार्क के अंदर, तो ये देखें यहाँ पे आके जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपना जो है इंसान को बचपन याद आ जाता है कि एक वक्त था हम भी यहाँ पे इस तरह, हमारे पेरेंट्स भी हमें लेके आते होंगे और हम भी इंजॉय करते थे, लेकिन देखें किस तरह जल्दी जल्दी जो है वो वक्त गुजर जाता है और हम बड़े हो जाते हैं, तो फिर आगे इस तरह जनरेशन जो हैं वो कंटिन्यू रहती हैं। तो देखें उन्होंने इधर इतना अच्छा है ना, इन्होंने देखें पेरेंट्स बड़े तो बैठ जाते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चे तो नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने बच्चों के लिए भी बनाया हुआ है कि जो बच्चे हैं वो भी मतलब पूरी प्रोटेक्शन दी होती है उन्होंने। और ये देखें कितना अच्छा है, वो बेबी अपनी मामा के साथ प्ले कर रहा है, स्टापू।
चलें ऐसा करते हैं कि मैं भी इतना जो बचपन याद आ रहा है तो मैं भी बैठ जाती हूँ और याद ताज़ा कर लेती हूँ बचपन के अपने। देखिए मेरी मम्मी भी आई हैं और वो भी जो है वो भी कह रही थी कि मुझे भी बचपन याद आने लग गया, तो मैंने उन्हें भी यही कहा, मैंने कहा चलें आप भी बैठ जाएं झूले पे तो जो है याद ताज़ा कर लें, तो वो आगे से मुझे कह रही है बहुत मज़ा आ रहा है तो क्यों ना मैं भी बैठ जाऊँ। जी तो मैं भी बैठ गई हूँ और लिटरली गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, लाइक सीरियसली आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। गाइस यहाँ पे बच्चों को हर तरह की जो एक्टिविटी है ना वो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को करवाते हैं, लाइक फ्री टाइम में ये नहीं है कि वो बेचारे बच्चे जो हैं हर वक्त जो है ना वो मोबाइल या इस तरह की, नहीं फ्री टाइम होता है इवनिंग में जो है ये पार्क्स इतने फुल हुए होते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं फुटबॉल ग्राउंड में भी और इस तरह। तो जी अब शौक पूरा हो गया और अब हम वापसी की तरफ जो है वो अपना रुख करने लगे हैं, लाइक हमारे रास्ते में ही आया था तो हमने कहा चलें क्यों ना हम इधर विज़िट कर लेते हैं। तो अभी शाम को जो है बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को लेके आते हैं और इस तरह उनके साथ थोड़ी डिफरेंट जो है इधर देखे ना गेम्स भी उन्होंने किया हुआ। तो जी अब हमने अपनी वापसी को जो है वो दोबारा जो है वो कंटिन्यू कर लिया है, लाइक वॉक हमारी स्टॉप थी अब हमने दोबारा से उसको जो है वो दोबारा से हम जो है रवानगी की तरफ रवानगी कर ली है अब हमने। होपफुली आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करेंगे और गाइस मुझे बात समझ नहीं आती, आप लोग वीडियोस भी देखते हैं लेकिन गाइस मुझे समझ नहीं आती, आप लोग वीडियोस पसंद भी करते हैं लेकिन आप लोग अगर पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सिर्फ ऊपर से वीडियोस देख लेते हैं गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ताकि हमें भी पता लगे कि जी भाई हमारी सबको पसंद आ रही हैं वीडियोस, फिर बंदा जो है वो आगे कंटिन्यू करता है अपनी वीडियो को। अगर आप हमें कोई भी फीडबैक नहीं देंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें भाई हमारा लोगों को जो है या हमारे प्यारे बहन भाइयों को जो है ये कॉन्टेंट हमारा पसंद आया है, ये कॉन्टेंट आप लोग की वजह से पता लगे। आप लोग हमें ज़रूर मेंशन किया करें, बताया करें कमेंट्स में कि आप लोगों को हमारा कौन सा कंटेंट जो है वो पसंद आया है ताकि हम उस तरह की वीडियोस बनाने को प्रेफर करें। सो वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और होपफुली आप हमारी वीडियोस को बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सी दुआएं हैं आप सबके लिए भी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, फी ईमान अल्लाह। तो दाल जो मैंने आपको बताया था कि आज मसर चावल बनाए हैं, तो दाल पक गई हुई है, बस ये गर्म होगी अब एक दफ़ा फिर, और साथ ही साथ हमने चावलों के लिए पानी बॉयल करना रख दिया है और साथ मैंने बनाया है सैलड। तो अब जब चावल बन जाएंगे फिर आपको एक पिक्चर प्रॉपर दिखाऊंगी, एक प्रॉपर इसको मैनेज करके। तो आज तो बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि मसर चावल अब मैं बहुत देर के बाद खाने लगी। चावल तो रेडी हो गए हैं तो अब इन्हें रखते हैं दम पर। अब चिकन और गोश्त कीमा वगैरह आ गया है, अब चिकन वॉश करेंगे और गोश्त वगैरह का जो है वो हम लगाएंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।